और दोस्तों, आज हम इस टोकरी से एक पॉट बनाएंगे। और ये इस तरह का एक कोई कपड़ा आप ले लीजिए, इससे एक पॉट बनाएंगे हम टोकरी की सहायता से। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने ये सादा सीमेंट ले ली है, ऑर्डनरी सीमेंट है, इसमें कोई विशेष स्पेशल सीमेंट नहीं है। ये पानी डाल करके इसको हम गीला कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको पानी डाल करके इस तरह का पेस्ट बना लिया है। अब हमने जो ये कपड़ा लिया है हम उसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से गीला कर लेंगे। दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से इसमें जो है हमने गीला कर लिया है सीमेंट में। दोस्तों इसको हम इस तरह से हम इसके ऊपर बिछा लेंगे इसको सीमेंट में गीला। तो दोस्तों मैंने इसमें कोई तार लेकर के ये बांध दिया है, इसके चारों तरफ इस तरह से एक तार बांध दिया है इसमें, ताकि ये नीचे ना खिसके और ये यहाँ रुका रहे। दोस्तों अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो ये आगे का हिस्सा है इसको हम इस तरह से ऐंठ देंगे, ताकि ये दोस्तों हमने इस तरह से इसकी ये गर्दन बना ली है तार बांध करके इसकी गर्दन। ये जब थोड़ा सूख जाएगा तो टाइट हो जाएगी गर्दन। तो दोस्तों मैंने इसकी गर्दन नीचे इस तरह से लटका दी है और ये ऊपर इस तरह से रख लिया। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा बदरपुर मिक्स करके सीमेंट लगा लेंगे। इसका रेशियो दोस्तों वही 3 भाग जो है बालू का और 1 भाग सीमेंट का है, ये जो मैंने मिश्रण तैयार कर लिया है। दोस्तों हम इसके ऊपर फिर हम इस तरह की सीमेंट की लेयर लगा लेंगे पतली पतली। दोस्तों इस तरह से हम इस पर चारों तरफ से कपड़े के ऊपर एक सीमेंट की पतली लेयर लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने इस तरह से चारों तरफ हमने इस पर सीमेंट लगा ली है। तो मैंने ये कागज़ का एक पंख काट लिया है, इस पर मैं इस तरह से लगा दूंगा तो ये इसके पंख बन जाएंगे। सीमेंट से मैं इसके पंख बना करके इस पर चिपका दूंगा। तो इसके पंख बनाने के लिए ये मैंने 3 भाग सीमेंट और 1 भाग बालू ले लिया है। इसका रेशियो है इस तरह का, हम लेते पॉलीथिन पर इस तरह से की रख करके एक डिज़ाइन काट लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे पत्ती को काट लेंगे इसके पंख को। इसको किसी पत्ती की सहायता से हम उठा लेंगे ताकि ये आसानी से उठ करके आ जाए हमारी। तो दोस्तों हम इस तरह से ये सारी इसके पंखों को ऐसे लगा देंगे इस पर। ये हमने इसके पंख लगा दिए हैं इस तरह। और दोस्तों ये जो पत्थर हैं उनको हम इस तरह से इसमें सीमेंट में चिपका देंगे। दोस्तों इसके पंखों पर हम इस तरह की डिज़ाइन बना देंगे चाकू से जो है। तो दोस्तों ये ऐसे लगभग 24 घंटे तो अभी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा इसको छुटा लेते हैं इसकी किनारी के पास जो सीमेंट लगी हुई है, और इसको ढीला कर लेते हैं हम इस तरह से इसकी किनारियों को।
और इस टोकरी को निकालने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। इस तरह से दोस्तों हमने ये निकाल ली है बाहर टोकरी, और ये एक डिजाइन बन गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी इसकी गर्दन पे और सीमेंट लगा करके और सुंदर बना लेंगे इसको। दोस्तों इस तरह से हम इसकी गर्दन पे थोड़ी थोड़ी सीमेंट लगा करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। दोस्तों हमने इस पे सीमेंट लगा ली है इसके चारों तरफ, इसकी फिनिशिंग कर ली है गर्दन की। और इसके ऊपर मैंने कलंगी के लिए एक कपड़ा काट करके सीधा इस तरह से और इस पे सीमेंट में चिपका दिया है। ये सूखने के बाद में चिपक जाएगा और ये इसकी एक कलंगी यहाँ ऊपर बन जाएगी। इस तरह से आप इसकी डिज़ाइन कैसी भी बना सकते हैं। ये हमने इसके सिर पे लगा दी है। दोस्तों अब हम बस थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। सीमेंट घोल ली है हमने पानी में और इसको थोड़ा सा इस तरह से चिकना देंगे। तो दोस्तों इसकी हमने फिनिशिंग कर दी है। अब इसको सूखने के बाद में हम इस पे कोई सुंदर सा पेंट कर लेंगे, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप पेंट कर सकते हैं। ज़्यादा वजन में भी ये भारी नहीं है, हल्का है, आप इसे आसानी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह का ये पॉट बना लिया है, इसमें मैंने ड्रिल मशीन से सुराख कर लिए हैं नीचे, और ये ऐसा बना है। तो मैंने कलर कर लिया है इस तरह का, इस पर कलर कर लिया है, और एक बहुत सुंदर पॉट हमने अपने घर पे ही बना लिया है। दोस्तों आप इसमें अब कोई भी सुंदर पौधा आप लगा सकते हैं अपने घर पे। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इसमें प्लांट लगा दिए हैं, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं इसमें लगे हुए। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक।